हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। आज है ना दोस्तों, हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें गैस या चूल्हा जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में हमें बिल्कुल भी गैस के सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद आता है गर्मियों में वो होते हैं ड्रिंक्स। अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स हमें अच्छे लगते हैं, तो उसी तरह से आज हम एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और पंजाब की खासियत है, जो वहाँ पर पटियाला ग्लास में पिया जाता है। बिल्कुल सही पहचाना है आपने फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता दूं, पर उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आपको भी लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तरह आप भी लस्सी लवर हो? अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इंग्रेडिएंट्स पे हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो कि दही। तो मैंने यहाँ पर ताज़ा गाढ़ा दही लिया हुआ है। दही बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक मैं दे दूँगी आपको, तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। हमारे पुराने वीडियोज़ में भी आपको मिल जाएगा। तो ये गाढ़ी लस्सी मैंने ले ली है, ताज़ी दही हमें लेनी है मलाई के साथ में। तो ये मैंने ले लिए है 400 ग्राम। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 4 बड़े टेबल स्पून मैंने शुगर ले ली है। तो आपको पाउडर शुगर ही मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि खड़ी शुगर जो है वो घुलने में टाइम लेता है। तो पाउडर शुगर मैंने ले लिया है 1/2 छोटी चम्मच। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है, तो आप उससे स्किप भी कर सकते हो, पर इससे टेस्ट अच्छी आती है इसीलिए मैंने लिया है। तो आज हम लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बिना मिक्सर का यूज़ किए या फिर ब्लेंडर का यूज़ किए आज हम हाथों से ये लस्सी बनाने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम विस्कर की मदद से इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें जो गुठलियाँ बनी हुई है उन गुठलियों को लगभग पूरा फोड़ लेंगे। हमने ये गुठलियाँ लगभग पूरी ही, बड़ी बड़ी जो गुठलियाँ थी हमने पूरी ही फोड़ दी है। अब इस वक्त हम करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें शुगर डाल देंगे। ये शुगर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने थोड़ा सा नमक लिया था टेस्ट के लिए वो भी, और इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ें लगभग मिक्स कर दी है, तो इस वक्त हम ये लेंगे दाल मखनी। तो दाल मखनी की मदद से हम इसे ऐसे कर लेंगे। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है लस्सी बनाने का। अगर आप मिक्सी के जार में डालकर घुमा दोगे तो ये बन तो जाएगी बहुत जल्दी, मगर वो जो टेक्सचर रहता है लस्सी का वो नहीं आ पाएगा। ऐसे करने से लस्सी आपकी एकदम गाढ़ी क्रीमी बनेगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पर अगर आप मिक्सी में चला दोगे ना तो ये बन तो जाएगी जल्दी, मगर वो वाला टेक्सचर भी नहीं आएगा, क्रीमीनेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और थिक नहीं रहेगी आपकी लस्सी। मेन मतलब एकदम से वो पतली हो जाएगी, इसीलिए हम ये इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब है ना फ्रेंड्स, आप हमारे लस्सी का टेक्सचर देख सकते हो। ये देखिए, आप दाल मखनी के ऊपर देख सकते हो कितनी क्रीमी, कितनी सिल्की हमारी दही बनकर सॉरी लस्सी बनकर रेडी हुई है। तो हमारी लस्सी जो है अभी रेडी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लस्सी को इसमें निकाल लिया है जार में। तो आपको अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है या फिर आपको अलग अलग और भी ज़्यादा फ्लेवर्स में ये लस्सी बनानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस बात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इन्हें ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। देखिए आप, एकदम गाढ़ी लस्सी हमारी बनी हुई है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।